अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग वूकॉमर्स के साथ बुकिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको वूकॉमर्स के साथ बुकिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह से सैलून्स हो गए, स्पा हो गया, या फिर कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस जो कि वूकॉमर्स के जरिए अपने सर्विसेज सेल कर रही हो। और इसके साथ साथ ही हम बुकिंग के साथ साथ ही एड ऑन्स भी ऐड करना सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग एज एन एक्स्ट्रा एडवांस प्रोडक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये पूरा प्लगइन कम्प्लीटली फ्री है और सारे काम आप बिल्कुल फ्री प्लगइन से कर सकेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग ये सारा काम करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने आके ऐड न्यू प्लगइन पे करना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है वूकॉमर्स बुकिंग्स, सिंपल ये लिखना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिल जाएगा, ये वाला बाय WP स्विंग्स। सिंपल आप लोगों ने इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसको कर लेना है एक्टिवेट। ओके, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको एक विजिट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद बुकिंग्स फॉर वूकॉमर्स पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो इनको मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से आप लोग को ये ऑप्शंस कन्फिगर करना है। तो सिंपल आप लोगों ने इनेबल प्लगइन, इनेबल बुकिंग्स, इन दोनों को ऑन कर देना और सेव सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं कन्फिग्रेशन सेटिंग्स के ऊपर। सिंपल यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे आ गए और यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी सारे और ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें बुकिंग्स फॉर फॉर्म सेटिंग्स, तो यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्ले इंक्लूड सर्विसेज, डिस्प्ले टोटल, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी को सेट कर सकते हैं कि किस किस टाइम में आपके बिजनेस के अंदर जो बुकिंग सिस्टम है वो अवेलेबल है या किस टाइम में जो यूज़र है वो बुकिंग्स कर सकता है। तो मैं इसको डेफिनेटली इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे डेली स्टार्ट टाइम और डेली एंड टाइम यहाँ पे आप अपने मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 11 बजे, ओके, और ये कुछ इस तरह से मैंने सेटअप किया और सेव कर दिया, कुछ रैंडम सी डेट्स मैंने सेटअप कर दी। अब यहाँ पे मौजूद है हमारे पास एडिशनल कॉस्ट। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, उसके कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं तो और कुछ और चार्जेस हैं, तो वो सारे एडिशनल कॉस्ट जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिख देता हूँ, लेट्स सपोज $100, और मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैं ऐड न्यू बुकिंग। यहाँ पे देखें ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई जो कि प्रोडक्ट के पेज पे शो होगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है एडिशनल सर्विसेज, आप प्रोडक्ट पेज पे एडिशनल सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने क्लिक किया एडिशनल सर्विसेज और यहाँ पे लेट्स से एडिशनल सर्विसेज मैं क्लीनिंग कर देता हूँ, राइट। क्लीनिंग के लिए जो है चार्ज करेंगे $50 मल्टीप्लाई बाय नंबर, मल्टीप्लाई बाय बुकिंग्स एंड ड्यूरेशन, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप इनको चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी आप ऑफर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, राइट। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ अभी के लिए, बिल्कुल इसी तरह से ही ये ऐड होगी। इसी तरह से आप और काफ़ी सारे जो है वो मोर सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। आगे चल के आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी जब मैं आपको प्रोडक्ट पेज दिखाऊंगा। तो ये कुछ सर्विसेज हमने ऐड कर ली। अब मैं चलता हूँ ज़रा फ्रंट एंड के ऊपर और कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब वो चीज़ें हमने सेट तो कर ली हैं बट इनको यहाँ पे किस तरह से शो करवाना है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट जिसको जिसके ऊपर आप शो करवाना चाह रहे हैं उसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम करना है, यहाँ वेरिएबल प्रोडक्ट की बजाय बुकिंग प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। बुकिंग प्रोडक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं, डुअल कैलेंडर, सिंगल कैलेंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर कैन चूज़ के कितनी क्वांटिटी उसे चाहिए, बुकिंग कंफर्मेशन के यूज़र जो है वो जब कंफर्म करे, बुकिंग करे, तो उसको कंफर्मेशन लेनी पड़े एडमिन से, राइट। इसी तरह कैंसिलेशन अलाउड है, ठीक है, कि यूज़र कैंसिल कर सकता है ऑर्डर के नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, तो ये भी हमने बैकेंड से ही सेट की कर ली थी। पीपल
और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनेबल पीपल ऑप्शन के डिफरेंट लोग, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज जो हमने ऐड की थी वो आप फ्रंट एंड पे शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं प्रोडक्ट पेज पे, उसको आप डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। इसी तरह जो अवेलेबिलिटी, यहाँ से आप जो है चूज़ अपकमिंग हॉलीडेज ताकि वो कैलेंडर के अंदर शो ना हो, तो यहाँ से आप उन डेट्स को डिसेबल कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सेटिंग्स हमने यहाँ से देख ली। अब यहाँ पे और ऑप्शंस आपको इस तरह से नज़र आ जाएंगे। ये देखें, एडिशनल कॉस्ट हमने क्या कर दी थी, इंस्टॉलेशन का एक वो डाला था, उसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इस तरह से जितनी भी एडिशनल कॉस्ट आप डालेंगे जिस भी प्रोडक्ट में आपको वो शो करवाना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करके उसको शो करवा देंगे। इसी तरह जो सर्विसेज है वो हमने क्लीनिंग डाला था, राइट। इस तरह से और काफ़ी सारी एडिशनल सर्विसेज आप डाल सकते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्रोडक्ट को अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इस प्रोडक्ट को मैं व्यू करूँगा और फिर देखूँगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस हैं, राइट। तो मैंने इसको अपडेट किया और अब मैं प्रोडक्ट के ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे देखें वो सारी चीज़ें जो भी हमने सेट की थी बैकएंड से, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है शो हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें कैलेंडर फ्रॉम, मतलब कब से कब तक की बुकिंग करनी है, तो यहाँ पे देखें ये आप इस तरह से इसकी बुकिंग सेटअप कर सकते हैं, लाइक लेट्स से यहाँ तक, राइट। और उसके बाद ये क्लीनिंग जो कॉस्ट है वो क्या है, $50 है इसके साथ, और सर्विस कॉस्ट है ये है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब वो जो सर्विसेज थी हमारे पास यहाँ पे, ये दो सर्विसेज हैं किधर, क्लीनिंग और इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन की सर्विस यहाँ पे हमारे पास क्लीनिंग का आ रही है लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा, राइट। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ से उसको सही तरह से सेटअप नहीं किया था, हमने कुछ ऑप्शंस वहाँ पे थे इफ़ एंड एल्स, तो उन सारी क्वांटिटीज़ को, उन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उनको अल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। जैसे ये एडिशनल कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिशनल कॉस्ट इंस्टॉलेशन है, और यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन की कोई कॉस्ट आ नहीं रही, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय नंबर और ये सारी चीज़ें शो करवा दी। और सिमिलरली एडिशनल जो है सर्विसेज है तो वो भी आप यहाँ से इस इन मज़ीद इनको देख सकते हो कि यूज़र सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, ये एक्स्ट्रा है या फिर कंपलसरी है। अगर आप इसको ऑप्शनल रखना चाहें तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस है, इनको आप मज़ीद टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैलेंडर किस तरह से आप लोग सेटअप कर सकते हैं अपने WooCommerce के प्रोडक्ट्स के अंदर, ताकि डिफरेंट बुकिंग्स की जा सके, और इसी तरह से एडिशनल सर्विसेज और एडिशनल कॉस्ट वगैरह किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं ताकि यूज़र्स उनको सेलेक्ट कर सके और उसके बाद उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की बुकिंग सेटअप कर सके। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये पूरी वेबसाइट हमने एस्ट्रा प्रो थीम से बनाई हुई है, अगर आपको एस्ट्रा प्रो थीम चाहिए तो बहुत ही चीप रेट्स के अंदर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर सेटअप किया जा सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।